चलिए भाभी जी, चलो अभय। और हाँ भाई साहब, आप अपनी बेटी आपकी IAS बेटी के साथ खुश रहिए। हम जा रहे हैं। सॉरी पापा, मैं आप लोग के साथ नहीं आ रहा हूं, मैं अपने फ्रेंड के घर पर रहूंगा। एक मिनट पापा, पापा प्लीज इन्हें रोक लीजिए। घर से घर वाले चले जाएंगे तो घर घर कैसे रहेगा? प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इन्हें रोक लीजिए प्लीज। परागी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम ये कैसे बोल सकती हो? पापा, जो कुछ हुआ है वो चाचा चाची ने किया है, तो फिर माँ और अभय घर क्यों छोड़ रहे हैं? हमारी पैरवी करने की कोई जरूरत नहीं है परागी। माँ, सच कहना पैरवी करना नहीं होता, और हम सब एक साथ एक छत के नीचे रहेंगे तो शायद जितनी भी गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाए। और इस तरह आप घर से चली जाएंगी तो जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो बढ़ती रहेंगी। पापा, माँ के जाने से सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी। पापा, आप कैसे रहेंगे माँ के बगैर? ये घर मेरे अकेले का नहीं है, सबका है। यहां सब रह सकते हैं, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रही है मां? अपने घर से कोई जाता है क्या? लाइए बैग मुझे दीजिए। हमारे घर में हमें ही रोककर महान बन रही है। तुमसे मेरी हर एक बेइज्जती का बदला इंटरेस्ट के साथ लूंगा। क्या हुआ? बत्रा सर का मैसेज है, सस्पेंशन कैंसिल करने के लिए जो एप्लीकेशन मैंने डाली थी वो रिजेक्ट हो गई है। अब बत्रा सर से मिलना पड़ेगा। ठीक है, अगर इतना अर्जेंट है तो ऑल द बेस्ट, बाय। दोनों फैमिलीज ने मिलकर परागी को बहुत सताया, प्लीज अब दोनों फैमिलीज के सबक सीखने की बारी है। मेरे हाथ दुख रहे हैं, हाथ दबाओ, हाथ दबाओ। अरे शिवा, तेरे तो हाथ दुख रहे हैं, लेकिन मेरे बॉडी के वो भी पार्ट दुख रहे हैं जिसका मुझे पता भी नहीं था कि वो बॉडी में होते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, मम्मी परागी को इतना परेशान मत करो। अब देखो, अपने ही घर में नौकरों से भी बदतर हालत है। अभी चुपचाप अंदर जाके बर्तन मांझ लो, जाओ। और ज्यादा लेक्चर देने की कोशिश की ना तो इस घर में नौकर बनने के लायक भी नहीं रखूंगी, समझा? हिम्मत किसकी हुई ये गंदा कपड़ा? मम्मी जी, मैं तो कह रही थी बहुत मुफ्त की रोटियां तोड़ ली तुम दोनों ने, अब एक एक टुकड़े के लिए काम करना पड़ेगा, समझे? खाना खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। चलो चलो चलो। इन दोनों को तो इनके किए की सजा मिल रही है। ये साईनाथ जी, आपसे बस एक विनती है, अब परागी को भी वापस ड्यूटी पर बुला लीजिए।
मिस परागी, अगर आप जल्द से जल्द ड्यूटी ज्वाइन करना चाहती हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स को अपने गुनाह कबूल करने पड़ेंगे। लेकिन मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। तो आप वेट कीजिए, वेट कीजिए, जब तक ये रूमर्स ऑटोमेटिकली सेटल डाउन नहीं हो जाते तब तक आप वेट कीजिए। एंड यू नो, उसके लिए आपको महीने या सालों भी लग सकते हैं। बिकॉज मीडिया इज एवरीवेयर, मीडिया विल कीप थिंग्स अलाइव। सिंपल इक्वेशन है मिस परागी, आप जल्द से जल्द अपनी कुर्सी, अपनी चेयर वापस पाना चाहती हैं तो सी न्यूज को सबूत चाहिए, जिसके लिए आपकी फैमिली को एक्सपोज करना होगा। अमेजिंग, आई वंडर मिस परागी, दिस इज सो अमेजिंग। आपको ट्रेनिंग मिली है इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन आप क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं क्योंकि वो आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं। मैं फैमिली के दो मेंबर्स की वजह से पूरी फैमिली को सजा नहीं दिला सकती, पर वैसे भी जो कुर्सी मैं आपसे वापस मांग रही हूँ, उस कुर्सी तक पहुंचाया भी मुझे मेरी फैमिली नहीं है। मिस परागी, आपके कारण मैंने आपकी फैमिली के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। आप ड्यूटी कब ज्वाइन करेंगी ये डिसीजन मिनिस्टर साहब लेंगे। मिश्रा जी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, यू कैन लीव नाउ। फिर भी एक रास्ता है मिस परागी। कौन सा रास्ता सर? क्या मिनिस्टर साहब से मीटिंग? हाँ, और बत्रा सर ने ये सजेस्ट इसलिए किया क्योंकि मिनिस्टर हमें जानते हैं और उन्होंने मुझे रिपब्लिक डे के फंक्शन में इनवाइट भी किया था। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या आइडिया बुरा नहीं है? पर बुरा ये है कि मिनिस्टर से झूठ बोल नहीं सकते और सच उन्हें बता नहीं पाएंगे। झूठ बोलना क्यों? जो है सच बताएंगे? नहीं संजू, अगर सच बताएंगे तो हमारी पूरी फैमिली की इमेज खराब हो जाएगी उनकी नजरों में और चाचू कहीं के भी नहीं रहेंगे। परागी प्लीज, इस वक्त तुम चाचू के बारे में मत सोचो। तुमने उन्हें जेल जाने से बचा लिया, ये बड़ी बात है। बाकी जो उनकी बदनामी होगी उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। परागी, सच बोलने से बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो। जो बात है हम वो ही बताएंगे। ये कुर्सी देख रही हो, इस कुर्सी को पाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। इस कुर्सी पर बैठकर तुम कितने लोगों की जिंदगियां बदल सकती हो। ये सिर्फ जॉब नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारा ड्रीम जॉब। मेरी फैमिली की गलतियों को अपने सपनों की दीवार मत बनने दो प्लीज। रिलैक्स, इतना पैनिक मत हो, कोई ना कोई सलूशन सोचते हो। अब कौन सा दूसरा सलूशन सोचूं? वर्मा जी की बेटी से संजू की शादी एक परफेक्ट सलूशन था। एक तो उस परागी का परमानेंटली पत्ता साफ हो जाता, मोटा दहेज मिल रहा था वो अलग, लेकिन सारा प्लान फेल हो गया। उल्टा भाई साहब नाराज हो गए, हमारा बेटा हमारे हाथों से निकला जा रहा है। बेबी, वर्मा जी मेरा कॉल तक अटेंड नहीं कर रहे हैं। आई नो, उनकी वाइफ मेरे भी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही है। पर प्रमोद, तुम प्लीज गर्म दिमाग से नहीं, ठंडे दिमाग से सोचो। बेबी, मेरी टेंशन ये है कि अब हमारा केस परागी और आर्यन बत्रा फिर से टेक ओवर कर सकते हैं और ये बात हमारे लिए मुसीबत साबित हो सकती है। तुम्हारा कहने का मतलब, मीडिया ने जिसे इतने गंदे तरीके से उछाला उसके पीछे प्रमोद पाठक जी? आई जस्ट कांट बिलीव दिस। सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, पर आज हम दोनों आपके पास यहाँ पर आए हैं बहुत हिम्मत जुटा कर आए हैं। हमें नहीं पता कि ये सब कैसे होगा, लेकिन अगर ये बात परागी की जॉब की नहीं होती तो शायद कभी आपसे रिक्वेस्ट नहीं करते। प्लीज़ सर, परागी को उसकी जॉब वापस कर दीजिए। ये सिर्फ उसके लिए उसकी जॉब नहीं, उसका सपना है। उसने आईएएस बनने के लिए बहुत मेहनत की है सर। सर, आई नो कि ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट संजय बेटा, आपको और आपकी फैमिली को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले हमें इस घटना की पुलिस कंप्लेंट करानी चाहिए और पुलिस कंप्लेंट से परागी आप भी पाक साफ हो जाओगी। सर, ये पुलिस कंप्लेंट करने के बाद मैं शायद एक आइडियल आईएएस ऑफिसर तो बन जाऊँ, पर एज बहू मैं फेल हो जाऊंगी।
और सजा सिर्फ चाचू को नहीं मिलेगी बल्कि मेरे पूरे परिवार को मिलेगी सर। जिस तरह मैं अपनी जॉब लूज करना डिजर्व नहीं करती, मेरी फैमिली भी तो बदनामी डिजर्व नहीं करती। तो सर प्लीज मुझे मेरी जॉब वापस मिल सकती है बिना अपनी फैमिली को कटघरे में खड़ा किए? मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तू मेरे साथ चल। मैं शॉपिंग? तुम्हें अपने साथ शॉपिंग करवाने नहीं लेके जा रही हूँ, शॉपिंग के बैग्स पकड़ाने लेके जा रही हूँ। पकड़। अतुल तू तब तक दुकान पर जा, वो हेमंत भाई आधे दिन की छुट्टी पर गए हैं, जाओ वहाँ ग्राहकों को देखो। माँ दिन भर दुकान में बंद कर बैठना मुझे पसंद नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, चलो जाओ दुकान पर। किंकर तेरा काम है अतुल पर नजर रखना। यस बॉस। चल। पता नहीं मिनिस्टर साहब मुझे जॉब ज्वाइनिंग की परमिशन देंगे या नहीं, पर एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि मैंने कोशिश की। मेरा असेसमेंट ये कहता है कि वो तुम्हारी जैसे आईएएस ऑफिसर को लूज नहीं करना चाहेंगे, तुम्हें जॉब वापस मिल जाएगी पक्का। अपनी फैमिली की बुराई की उनके सामने, इसमें काबिलियत कैसे हुई? मिनिस्टर साहब से बात करने के बाद गिल्टी क्यों फील कर रही हो? तुम ऑलरेडी अपनी फैमिली को बचा चुकी हो पराग, और अपनी जॉब वो भी तो बचाना जरूरी है। और फिलहाल इस भेल पे कॉन्सेंट्रेट करो। हाय राकेश, मेरे दोस्त तेरी बहुत लंबी उम्र है यार, बाय गॉड तेरे पास ही आ रहा था। अच्छा वो यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के जो डिटेल्स उन्हें मुझसे मांगे थे वो मेरे पास है। तू मेरे बचपन का दोस्त है, इसीलिए मेरी फंडिंग के लिए तू मेरी पहली चॉइस है। मुझ पे ट्रस्ट रख और आग बंद करके पैसे लगा दे, गारंटी दूसरे साल से ही मोटा रिटर्न आने लगेगा। ये क्या बोल रहा है तू? मिनिस्टर? मिनिस्टर ने मना कर दिया, लेकिन क्यों? अरे वाह परागी बेटा, ये मिठाई किस खुशी में? अभी मेरे ऑफिस से फोन आया था, उन्होंने कहा कि मैं ड्यूटी वापस ज्वाइन कर सकती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। बोलो ओम साई राम। ओम साई राम। परागी बेटा, मेरे गुड विशेस हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम इस घर की ऐसी बेटी हो जो इस घर का नाम ऊंचा ही नहीं करती बल्कि उसे डूबने से भी बचाती हो। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच। इसलिए आज सिर्फ एक लड्डू नहीं खाऊंगा, पूरा डिब्बा ले लूंगा, दो। प्रमोद, ये क्या पागलपन है? भाई साहब ये मिठाई आपके खाने के लायक ही नहीं है। इस लड़की ने हमारे घर के नाम को डूबने से बचाया नहीं है बल्कि डुबोया है। आपकी बहू, आई एम सॉरी, आपकी बेटी ने क्या चाल चली है मीडिया के सामने? इसने जानबूझकर पुलिस के सामने कुछ नहीं बोला लेकिन बड़ी चालाकी से मिनिस्टर के सामने जाकर सच उगल दिया। चाचा जी, आप तक ये बात कैसे पहुंची? मिनिस्टर के सामने इसी घर की बेइज्जती करके आई हो ना, तो इस घर तक तो बात पहुंचेगी ही ना। विनोद जी, आप हमेशा मुझे कहते हैं ना कि मैं परागी को बोलने क्यों नहीं देती हूँ, तो आज मैं उसे बोलने देती हूँ। बोलो परागी, जो प्रमोद कह रहे हैं क्या वो सच है? हाँ माँ सही है। इसका मतलब परागी ने सच में हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है। एग्जैक्टली, यही किया है इसने। सीरियसली चाचू,
आप ही बात बोल रहे हैं, कम से कम आपको तो ये बात बोलने का कोई हक नहीं है। परागी पर कोई इल्जाम लगाने का हक नहीं है आपको। परागी ने मना किया था कि मिनिस्टर साहब को ये बात नहीं बतानी, मैंने उसे बोला कि ये बात बतानी है। वाओ, यस वाओ। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी वजह से इसकी नौकरी जा सकती थी, इसका पूरा करियर खत्म हो सकता था, इसलिए उसके सपने टूट जाते। तो क्या आप ये जिम्मेदारी लेते? और चाचा जी, मिनिस्टर साहब को ये बात मैंने मजबूरी में बताई, वरना दूसरा ऑप्शन पुलिस कंप्लेन का था। बताइए अब, क्या आपको वो मंजूर होता? प्रमोद, ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। परागी ने तुम्हें जेल जाने से बचाया है, उसकी खुद की जॉब बचाई है। उसने जो भी कुछ किया है वो इस घर की, इस परिवार की भलाई के लिए किया है। अरे क्या कहा कि इस घर के भलाई के लिए किया है? आप जानते भी हो कि इसका अंजाम क्या हुआ है? मैंने अपने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए अपने एनआरआई दोस्त को कन्विंस किया था, रेडी किया था हमें फंड करने के लिए, लेकिन उसके कॉन्टैक्ट में भी मिनिस्टर जी थे और मिनिस्टर जी ने उसे कॉल करके हमें फंड करने से मना कर दिया। कितनी इंसल्ट की मेरे दोस्त ने मुझे, बताए क्या ये इन्वेस्टर ने बैकआउट कर लिया? पर आगे तुमने अपनी जॉब बचाने के लिए हमारी इज्जत और हमारे बिजनेस को भी मिट्टी में मिला दिया। कितनी सेल्फिश निकली हो तुम। आपको परागी सेल्फिश नजर आती है? बल्कि सेल्फिश रीजन की वजह से परागी को बदनाम किया गया, सिर्फ एक बार। आप दोनों सिर्फ एक बार परागी को हटाकर देखिए, आप दोनों ने जो किया है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने बैकआउट किया। रीजन परागी नहीं है, रीजन आप दोनों खुद है। संजू, क्या हो गया है तुम्हें? तुम अपनी चाची से बात करने का सलीका भूलते जा रहे हो। प्रमोद ने जितना इस घर के लिए तुम्हारे लिए किया है उतना किसी ने नहीं किया। हाँ, उसने कुछ गलतियां की है, लेकिन परागी और उसके परिवार से तो कमी है। तुम्हारे नाम का सम्मन जारी करवा दिया, मेरे मुंह पर कालिक पोत कर सड़क के बीचों बीच घुमाया, सब तुम क्यों भूल जाते हो? मां, इन गलतियों के लिए मैं और मेरी मम्मी आपसे कई बार माफी मांग चुके हैं और पूरी जिंदगी मांगेंगे, लेकिन जो होना था वो हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता, पर हमें उसे भूल के आगे बढ़ना होगा। प्लीज, जो बात तुम बोल रही हो ना, खुद उस पर अमल करो। प्रमोद और बेबी की गलतियों को भुलाकर तुम क्यों नहीं आगे बढ़ जाती? मां, किसी की गलतियों को भुलाया जा सकता है, उन्हें माफ किया जा सकता है, अगर उनका एहसास उन्हें हो। जैसे परागी और उसकी मम्मी को उनकी गलतियों का एहसास हुआ, चाचा चाची को अभी तक नहीं हुआ है। कैसे होगा, कैसे होगा? जिस आदमी ने ये पूरा घर अपने दम पर खड़ा किया हो, जिसने इस घर के लिए सबसे ज्यादा पैसे कमाए हो, उस आदमी के सामने खड़े रहकर तुम उस आदमी को सॉरी फील करने के लिए कह रहे हो? तुम लोग सब लोग ना आपस में बैठकर मिलकर फैसला करो कि प्रमोद पाठक किस लिए सॉरी बोले, संजय प्रकाशन के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, जब संजू तेरा करियर सेट करने चला था उस लिए सॉरी बोलूं? बस, बस। बहुत बार तुमने यह जताने की कोशिश की है कि इस घर को, इस बिजनेस को बढ़ाने में सिर्फ तुम्हारे तुम्हारे अकेले का हाथ है। प्रमोद, हर बार तुम्हारी नादानियत और तुम्हारा बचपना समझकर मैं तुम्हें माफ करते आया हूं, पर आज तो तुमने हद कर दी। प्रमोद, हद कर दी तुमने। हमारा ये घर, ये बिजनेस तुमने बनाया है, लेकिन तुम ये भूल रहे हो प्रमोद कि तुमने जो लोन ली थी, जो डील्स क्रैक की थी, वो मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नुकसान में हो, तो तुम इस घर से चले जाओ। तुम्हारे हिस्से के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा,
हिस्से का पैसा नहीं, अब तो हिस्सा ही होगा भाई साहब। और उसके बाद मुझे इस घर से निकालने के बारे में सोचना। प्रमोद, अब तक मैं संजू को बात करने का तरीका समझा रही थी, अब क्या तुम्हें भी समझाना पड़ेगा? हाँ भाभी जी, मैं इस घर से क्यों जाऊं? ये घर मेरे पैसों के कमाई से चलता है। अगर भाई साहब के भरोसे पे टिके रहते ना, तो हम सड़क से उठकर इस आलीशान मकान में कभी नहीं पहुंच पाते।